हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। आज फिर मैं आपके लिए कुछ नई नई और यूनिक टिप्स लेकर आ गई हूँ, जो कि आपकी टाइम की तो बचत करती हैं, साथ साथ आपके पैसे की भी बचत करती हैं और साथ ही साथ आपके घर को भी ऑर्गेनाइज करने में मदद करती हैं। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप होने वाली है यूज्ड ऑयल को लेके। जब भी हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं पूरी तलने के लिए या स्नैक्स को तलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसके बाद जो हमारा लेफ्ट ओवर तेल रह जाता है तो उसमें उस चीज़ की जो है स्मेल रह जाती है। जब हम इस तेल का इस्तेमाल अपनी किसी और सब्जी या दाल वगैरह में करते हैं तो उसकी स्मेल हमारी दाल सब्जी में आ जाती है, जो कि हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो उसके लिए मैं आपको टिप लेकर आई हूँ, तो आप उस तेल में से उसकी स्मेल को कैसे दूर कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें, आपके घर में इस तरीके से इमली तो होगी, तो आप क्या करें, जब आपका तेल गर्म हो जाए तो आप क्या करें, उसमें इस इमली के टुकड़ों को डाल दें और इसके बाद इस इमली के टुकड़े को इस तेल में थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लें। उस तेल में इस इमली को फ्राई कर ले। ये देखिए, इमली फ्राई हो चुकी है, इसके कलर से एकदम काली हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इमली को एक प्लेट में निकाल लेंगे इसे। दोस्तों, अब आप इस तेल का इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर आपको किसी भी प्रकार की स्मेल नहीं आएगी। अब आपका ये तेल एकदम फ्रेश जैसा लगेगा। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के मोटर्स को लेकर। मोटर ऐसी चीज होती है जिसका इस्तेमाल हर घर में होता है छोटे मोटे मसालों को पीसने के लिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है हम इस्तेमाल करने के बाद इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, रात के समय कोई भी मक्खी मच्छर या कॉकरोच तो हर घर में ज्यादातर पाए जाते हैं, वो इसके अंदर जाकर इसको जो है इन्फेक्टेड कर देते हैं, जिससे कि हम कोई भी खाना बनाएंगे तो हमारा खाना भी खराब हो जाएगा। इसके लिए आपको इसको रात के समय या इस्तेमाल करने के बाद हमेशा ढककर रखना चाहिए, ताकि कोई भी मक्खी मच्छर या कॉकरोच इसके अंदर जाकर इसको इन्फेक्टेड ना कर सके। तो इसके लिए आप किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस ग्लास का इस्तेमाल किया है। आप ग्लास लेके इसको इस तरीके से ढककर आप रख दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, आपका मोटर क्लीन भी रहेगा और इसके अंदर कोई मक्खी मच्छर भी नहीं जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप होने वाली है नींबू के रस को लेके। कई बार हम मार्केट जाते हैं, वहाँ से हम ज़्यादा नींबू ले आते हैं। वैसे तो हम उसी टाइम पे एक दो ही नींबू इस्तेमाल करते हैं, बाकी नींबू हम फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन जब हम नेक्स्ट टाइम उसको यूज़ करते हैं तो काफ़ी टाइट हो चुका होता है। उसके लिए मैं आपको टिप बताने वाली हूँ कि अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप उसको 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लें, तो इसका रस आसानी से निकल आएगा। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो उस केस में आप नींबू निकाल के अपने किसी भी सरफेस पे उसको अच्छी तरीके से रगड़ लें। इससे क्या होगा, नींबू थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएगा और इसका रस आसानी से निकल भी आएगा। उसके बाद आप नींबू काट के इसका रस निकाल लें। अगर वैसे तो आप मोस्टली जो है हम लोग नींबू का रस जो है नींबू के निचोड़ने वाले स्क्वीज़र से निकाल लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है। उसके लिए मैं आपको आसान टिप बताने वाली हूँ। अगर आपके पास वो नहीं अवेलेबल है तो आपके घर पे चिमटा तो होता ही है, मोस्टली सभी के घर में चिमटा इस्तेमाल होता है। आप वो चिमटा लें, उसके अंदर नींबू को इस तरीके से फंसा दें और अपने पूरे प्रेशर से उसको दबा दें, तो आप देखेंगे बड़ी आसानी से ही नींबू का रस निकल आएगा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही एक आसान ट्रिक लेकर आई हूँ, जो कि सर्दियों में हम फेस करते ही हैं। मोस्टली सर्दियों में हम मेथी का इस्तेमाल तो करते हैं और ये हमारे सेहत के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होती है, लेकिन क्या है, इसको हमें काटना और जो साफ करना होता है वो बड़ा दिक्कत वाला काम लगता है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसको कैसे आप आसानी से काट के इस्तेमाल कर सकते हैं वो बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप मेथी के पत्तों को उसके डंठल से कैसे इजिली अलग कर सकते हैं। उसके मैं आपको दो मेथड बताऊंगी, आपको जो आसान लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक मेथी का बंच ले लिया है, उसको हम एक कैंची की मदद से या आप नाइफ की मदद से इसके अंदर जो धागा होता है उसको आप काट लीजिए, काट के इसको आप अलग कर लीजिए। इस बात का ध्यान रहे कि आपकी मेथी जो है बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। मोस्टली आपने देखा होगा जब भी हम मेथी के पत्ते जो है अलग करते हैं तो आपने देखा होगा हम इस तरीके से डंडी लेते हैं और इस तरीके से हम एक एक पत्ते को तोड़ते हुए अलग करते हैं। इस तरीके से अलग करने में आपने देखा होगा हमें घंटों हमारे जो है खराब हो जाते हैं और हमारा बहुत सारा टाइम लग जाता है।
तो आज मैं आपको एक इतनी इजी ट्रिक बताने वाली हूँ जिसके जरिए आप सर्दियों में 2 मिनटों में अपनी मेथी जो है साफ कर लेंगे। और ये काम आप बेशक तो रजाई में बैठे बैठे भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप ये काम बच्चों को भी दे सकते हैं, वो भी बच्चे भी इसको बड़े शौक से खेल ही खेल में कर लेंगे, जिससे कि है उनका खेल भी हो जाएगा, मनोरंजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ आपका काम भी आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं उसके लिए हमें क्या करना है। चलिए इसके लिए हमें जरूरत होगी एक स्ट्रेनर की। आप कोई भी अपने घर पे जो भी प्लास्टिक की टोकरी है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने प्लास्टिक की टोकरी ली है, आप ऐसी कोई ले लीजिए, मेरे पास राउंड है, आपके पास स्क्वायर है, जैसी भी है आप उसको ले सकते हैं। अब जैसे कि मेरे को ये मेथी का पत्ता है, इसको हमने तोड़ना है। हम क्या करेंगे, इस मेथी की डंडी को अपने, आप ये देखिए कि मेथी की डंडी आपने देखा होगा जब उसके बंच में आपको डंडी कई टाइप की मिलेंगी, कई पतली होती हैं, कई मोटी होती है, उनका साइज बराबर नहीं होता। तो आप अपनी जो है जो टोकरी है उसका होल उस हिसाब से सेट कर लें जिसके अंदर ये आपकी डंडी जाती है। अब सपोज जैसे मेरी डंडी इस वाले होल में जा रही है, ये देखिए, हम क्या करेंगे इसके अंदर अपनी मेथी को डाल के नीचे से इसको खींच लेंगे। ये देखिए, आप ये देख सकते हैं, ये इसकी डंडी अलग हो गई है और हमारे पत्ते इस टोकरी में आ गए हैं। मैं आपको एक दो और करके दिखाती हूँ। इस तरीके से आप अपने सारे के सारी मेथी को इजीली साफ कर सकते हैं और डंडी से अलग कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें डाला और हम इसको नीचे से खींच लेंगे। ये देखिए हमारी डंडी अलग रह गई है और हमारे पत्ते पत्ते सारे इसमें आ गए। इस तरीके से करके मैं अपनी सारी जो है मेथी को साफ कर लूंगी और इसको पत्तों से अलग कर लूंगी। ये काम आराम से आप रजाई में बैठे बैठे भी कर सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं। बच्चे भी ये बड़ी खुशी खुशी खेल खेल में ये काम कर लेंगे और आपका काम भी बन जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने होल के अंदर इसको डंडी को इस तरीके से डालना है और नीचे से इसको खींच लेना है। आपके सारे पत्ते जो है टोकरी में आ जाएंगे और आपकी डंडी जो है और डंडी आपकी अलग हो जाएगी। ये देखिए कितना आसान है इस हिसाब से मेथी को साफ करना और उसको उसकी डंडियों से अलग करना। ये हमारे सारे पत्ते इसके अंदर आ गए। इस तरीके से मैं आपको सारे साफ करके दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस हिसाब से हमारे पत्ते पत्ते अलग हो गए हैं और हमारी डंडियाँ ये देखिए अलग हो गई है ना दोस्तों। कितना इजी मेथड, इस मेथड के जरिए आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। चलिए अब ये तो हुआ हमारा पहला मेथड, अब बढ़ते हैं सेकंड मेथड की तरफ। एक पहला मेथड तो मैंने आपको बता दिया, मैं सेकंड मेथड बताने वाली हूँ कि हम इसको कैसे डंडियों से अलग कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम बहुत जल्दबाजी में होते हैं, हमें जल्दी जल्दी मेथी की सब्जी बनानी होती है या परांठे बनाने होते हैं तो हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं कि अपनी मेथी को लेके सीधा चॉपिंग बोर्ड पे इसको मोटा मोटा काट लेते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि आजकल तो रेडीमेड बाजार से कटी हुई मेथी मिल जाती है, हम बाजार से ही कटवा कर ले आते हैं। उन केसेस में क्या होता है, मेथी और मेथी के जो डंडियां होती हैं वो इकट्ठी होती हैं। तो उसको हम कैसे अलग करेंगे उसको भी मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको पहले बताती हूँ कि अगर हम जैसे घर पे जल्दबाजी में मेथी हम अपने चॉपिंग बोर्ड पे काट लेते हैं, ये देखिए जैसे मैंने मेथी ले ली है, हमने इसको चॉपिंग बोर्ड पे काटना है, तो हम इसको रफली जो है मोटा मोटा काट लेते हैं। हम जल्दबाजी में होते हैं, अपना चॉपिंग बोर्ड में हम जल्दी जल्दी इसको इस तरीके से काट लेते हैं। इस तरीके से काटने में आपने देखा होगा पत्ते तो होते ही हैं, साथ में इसमें काफी सारी हमारी डंडियां भी रह जाती हैं। कई लोगों को इसकी डंडियां पसंद नहीं होती, खाली पत्ते पत्ते पसंद होते हैं। तो इसको अलग करने का भी मैं बहुत ही आसान तरीका आपको जो सेकंड मेथड बताया है वो बताने वाली हूँ। इसको आप डंडियों को पत्तियों से कैसे अलग करेंगे, इसके लिए मैंने एक टोकरी ले ली है। एक्चुअली वो मेरी टोकरी छोटी थी इसलिए मैंने ये थोड़ी बड़े साइज की टोकरी ली है ताकि इसमें आसानी से हम इसको कर सके। तो इसको अब मैंने जो कटे हुए हैं अपने पत्ते और ये जो डंडियां समेत इसको मैं इसके अंदर ट्रांसफर कर दूंगी। ये मैंने जो है सारी मेथी कटी हुई इसके अंदर टोकरी के अंदर डाल ली है। अब हम क्या करेंगे, इस टोकरी को इस तरीके से हम करेंगे जैसे कि हम आटा छानते हैं ना अपनी छन्नी में, उस तरीके से हम इसको छानेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पत्ते पत्ते जो है वो टोकरी में रह गए हैं और डंडियां जो है छनके जो है नीचे आती जा रही हैं। ये देखिए इसमें हमें कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, हमारी डंडियां अलग होती जा रही है और जो पत्ते पत्ते हैं वो हमारे टोकरी में ही रह जाएंगे। और इस तरीके से हम मेथी को उसकी डंडियों से इजीली अलग कर सकते हैं। ये हमारी डंडियां जो है कटी हुई थी ये सारी नीचे आ गई हैं, ये देखिए। और ये मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए
हमारे पत्ते पत्ते सारे हमारे टोकरी में इकट्ठे हो गए हैं, है ना दोस्तों। इससे हमारा मेथी को साफ करना और इसको पत्तों से अलग करना कितना आसान। इस मेथड से आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज इसको एक लाइक दीजिएगा, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में भी इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इनका फायदा उठा सके। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से आपको कौन सी टिप या हैक सबसे बढ़िया लगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो और नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।